गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड टू सम्स ऑफ वर्कशीट 6. टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग सम्स ऑफ वर्कशीट 6. टॉपिक इज रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. दो रैशनल नंबर्स अगर गिवन एक्स एंड वाई, उनके बीच के हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. इफ एक्स एंड वाई आर टू रैशनल नंबर, देन 1/2x + y इज अ रैशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करने का मेथड क्या है? 1/2x + 1/2 × x + y. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 3/4. 1/4 and 3/4 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर अगर फाइंड करने हैं, तो आपको एक मेथड मैंने डायरेक्ट भी बताया था. देखो, डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है बेटा, 4 4 सेम है दोनों के डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर 1 and 3. 1 and 3 इंटीजर्स के बीच में आपको पता है एक इंटीजर कौन सा है, वो इंटीजर दैट इज़ 2. 2 लाइज बिटवीन 1 and 3. सो 2/4 इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 3/4. अगर 1 रैशनल नंबर फाइंड करना होता तो हम डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हैं कि 1/4 और 3/4 के बीच में एक रैशनल नंबर हमें डायरेक्ट पता चल रहा है. कौन सा पता चल रहा है? 2/4. बट यहाँ क्वेश्चन में हमसे 3 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो 3 रैशनल नंबर के लिए हम ये मेथड यूज़ कर लेंगे, 1/2 × x + y. कैसे यूज़ करेंगे? देखो, हमने एक रैशनल नंबर फाइंड कर दिया 1/4 and 3/4 के बीच में. कौन सा रैशनल नंबर बिल्कुल मिड में, कौन सा रैशनल नंबर है इन दोनों के बीच में? 2/4. 2/4 को आप सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा? 1/2. अब आप 1/4 and 1/2 के बीच का रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो. इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर हमने कौन से मेथड से फाइंड कर दिया? 1/2 × x + y. कौन सा आ गया इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर? ये आया 3/8. नेक्स्ट हमने कौन सा फाइंड किया? 1/4 and 3/8 का, इन दोनों के बीच का फाइंड कर दिया. यहाँ इन दोनों के बीच में कौन सा आया? इन दोनों के बीच में आया 1/4 and 3/8 के बीच में कौन सा आ गया? 5/16. अब ये 3 रैशनल नंबर पूछे थे हमसे, कौन किस किस के बीच में? 1/4 and 3/4 के बीच में. तो कौन कौन से वो 3 रैशनल नंबर आ गए? 5/16, 3/8 and 1/2. वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर. आप ये आगे कंटिन्यू कर सकते हो, इसे 3/8 and 2/4 के बीच में फाइंड कर लो, 2/4 और 3/4 के बीच में फाइंड कर लो, फिर इन दोनों के बीच में आगे फाइंड कर लो. तो हम आगे आगे इस तरीके से कंटिन्यू करते हुए भी क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स. 1 यहाँ डायरेक्ट पता चल रहा है, कौन सा? 2/4. 1/4 और 2/4 के बीच में अगर ओनली 1 पूछा होता तो वो डायरेक्ट क्या आ जाता? इस मेथड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, उसमें डायरेक्ट वो क्या आ जाता? 2/4. बट अगर ज़्यादा पूछ रखे हैं तो आप ऐसे कर लो. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट. इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/8 and −15/8. 1/8 and −15/8. डिनोमिनेटर देखो सेम है, 8 8. −15 and 1 के बीच में कितने इंटीजर्स लाई करते हैं? −15 and 1 के बीच में देखो, ये सारे मैंने लिख रखे. 0/8 लिख दो इसे, −1/8, −2/8, −3/8. इस टाइप से आपने ये सारे रैशनल नंबर मैंने यहाँ राइट कर दिए. डिनोमिनेटर सबका क्या लिखोगे? 8. और न्यूमरेटर कौन कौन से ले लिए मैंने? वो सब इंटीजर्स ले लिए जो 1 and −15 के बीच में लाई कर रहे. 1 and −15 के बीच में जितने भी इंटीजर थे, यहाँ 1 है, यहाँ −15 है, इनके बीच में जो भी इंटीजर थे, 0, −1, −2, −3, −4, ऐसे −15 तक ये सारे रैशनल नंबर मैंने लिख दिए.
यहाँ आपसे पूछे कितने रैशनल नंबर्स हैं, आपसे पूछे ओनली थ्री हैं, तो आप कोई भी थ्री इनमें से राइट कर सकते हो। अगर आपने वो मेथड लगाना है 1/2x + y वाला, तो आप वो भी लगा सकते हो, बट यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। जब आपको डायरेक्ट इंटीजर्स पता चल रहे हों, तब आपको ये मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने ये 15 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड कर दिए। आपको थ्री राइट करने हैं, इनमें से कोई भी थ्री राइट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ फर्स्ट पार्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/7 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/7। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। -4/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? 4/7। इसमें क्या करना होता है, हमें साइन नहीं लेना होता। -4/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 4/7। अब आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, किस किस के बीच में? -4/7 एंड 4/7 के बीच में। डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर क्या है दोनों में? 7 है। न्यूमरेटर क्या है? -4 एंड 4। -4 एंड 4 इनके बीच में देखो बहुत सारे इंटीजर लाई कर रहे हैं, -4 एंड 4 के बीच में। -4 एंड 4 के बीच में तो हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1, -2, -3, ये सारे इंटीजर्स हैं इनके बीच में। सबका डिनोमिनेटर क्या लगा दोगे? 7। तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो कौन कौन से हो गए? इनके बीच में ये सब रैशनल नंबर्स लाई करते हैं ये वाली। अभी हम और भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और फाइंड? इन दोनों के बीच में फाइंड कर लो, जैसे 1/7 एंड 2/7 के बीच में फाइंड कर लो। कौन से मेथड से? 1/2 × x + y। बट यहाँ हमसे ओनली 5 पूछे हैं, तो हमने 5 से ज़्यादा ही फाइंड कर दी। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम है बेटा तो आप डायरेक्ट इस मेथड से कर लो। अगर नहीं है या ज़्यादा पूछ रखे हैं तो आप वो 1/2 × x + y वाला मेथड लगा लें। ओके, दोनों ठीक हैं, आप दोनों से कर सकते हो। नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, रोहित डोनेटेड 1/5 ऑफ हिज मंथली इनकम टू एन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक एनजीओ को उसने अपनी मंथली इनकम का 1/5 पांचवा हिस्सा उसने डोनेट कर दिया, वर्किंग फॉर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए। स्पेंट 1/4 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 1/4 उसने फूड पर, 1/3 रेंट पर एंड 1/15 ऑन अदर एक्सपेंसेस, कुछ और खर्चे हैं उस पर 1/15। ही इज़ लेफ्ट विद रुपीज़ 9000, उसके पास 9000 रुपीज़ बच गए। बताओ उसकी मंथली सैलरी कितनी थी, कितनी उसने गर्ल एजुकेशन, लेट कर लिया हमने कि सैलरी है एक्स, तो उसने गर्ल एजुकेशन पर कितनी की? x/5। एक्स का 1/5 करोगे, एक्स को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? x/5। देखो नेक्स्ट में, रोहित की हमने सैलरी लेट की एक्स, एजुकेशन पर उसने की 1/5, यानी एक्स को 1/5 से करोगे x/5, फूड पर x/4, रेंट पर x/3, अदर एक्सपेंसेस, उसकी सैलरी बची कितनी? देखो मनी लेफ्ट कितनी हुई, x - x/5 - x/4 - x/3 - x/15, इन सभी को माइनस कर दिया। अब इन सब का एलसीएम कितना आ गया? 5, 4, 3 एंड 15 का एलसीएम, इन सब का एलसीएम आ गया 60। अब क्या करना होता है आपको? डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। 60 को 1 से डिवाइड करोगे 60, और फिर न्यूमरेटर से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई, 60 को x से मल्टीप्लाई करोगे 60x। नेक्स्ट फिर 60 को 5 से डिवाइड करोगे 12, 12 को x से मल्टीप्लाई करोगे 12x। नेक्स्ट 60 को 5 से डिवाइड करोगे, 60 को 4 से डिवाइड करोगे 15, 15 को x से मल्टीप्लाई करोगे 15x। 60 को 3 से डिवाइड करोगे 20, 20 को x से मल्टीप्लाई करोगे 20x। 60 को 15 से डिवाइड करोगे 4, 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x। अब देखो बेटा, इसके बाद, इस स्टेप के बाद आप
ये सारे माइनस वाली टर्म्स को देखो, सेम साइन अगर हो तो प्लस हो जाते हैं, तो आप इन चारों टर्म्स को इकट्ठा भी कंबाइंड भी कर सकते हो कि सारे प्लस करके कितना आ गया 51 है, माइनस का 51x आ गया। अगर आपको ये डायरेक्ट फोर टर्म्स कंबाइंड करके करना डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप दो दो टर्म्स को सॉल्व कर लो, जैसे 60 माइनस 12 पहले सॉल्व कर लिया, फिर जो आंसर आया उसमें से 15x कर लिया, वैसे कर लो। वैसे ये मेथड आपको करना चाहिए कि चारों जो फोर टर्म्स हैं ये, इनका सबका साइन है माइनस, तो ये सारे माइनस वाले प्लस, ओके माइनस 51x आ जाए, तो आपका जो मनी लेफ्ट है वो आ गई 9x बाय 60। ATS means according to statement. According to statement money left कितनी थी 9000। अब आपने x सॉल्व करना है तो 60 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 9 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, 9 से कट हो गया तो आपका 9000 कट हुआ, 1000 आया, 1000 को 60 से मल्टीप्लाई किया 60000। सो रोहित मंथली सैलरी कितनी आ गई उसकी 60000, 60000 उसकी मंथली सैलरी आ गई। अब आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, आप 60000 का 5 से डिवाइड करो, यानी 12000 उसने एजुकेशन में खर्च किया, उसके बाद 4 से करो, 4 से डिवाइड करोगे आप, 15000 उसने फूड पर किया, रेंट पर उसने 20000 उसने रेंट पर किया खर्च, और 15 से डिवाइड करोगे यानी 4000 उसने किया अदर एक्सपेंसेस पर, तो ये आपका हो गया 51000 उसने खर्च कर दिए, 9000 उसके बच गए। ये मैंने 60000 को डिवाइड कर करके ये सब लिखा है, ओके आप ऐसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो बी एंड सी पार्ट हैं, वैल्यूज़ ऑफ रोहित एंड वाई इज़ एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल इम्पॉर्टेंट, ये आपने खुद के व्यूज़ लिखने हैं कि आप बताओ कि गर्ल्स एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। और एक आपने लिखना है कि रोहित की आपको कौन सी अच्छी क्वालिटी का पता चला, जिस क्योंकि उसने देखो क्या क्वालिटी उसने गर्ल्स की एजुकेशन के लिए मनी डोनेट की, तो आप उनकी वैल्यूज़ लिखोगे। अब आपने वैल्यू बेस तक अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करनी है।